हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया है और आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ये क्लास 8 का चैप्टर 8 है और होप आपने चैप्टर 7 देख लिया होगा। और अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसी से जस्ट कनेक्टेड है, उसी का सेकंड पार्ट आप लोग कह सकते हैं। ये चैप्टर उस पुराने चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का सेकंड पार्ट है। सो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, कैसे होती है, कौन कौन से ग्रुप मार्जिनलाइज्ड हैं, कौन कौन से कास्ट मार्जिनलाइज्ड हैं। अगर आपको जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, अगर आपको उनमें में से किसी में भी डाउट है तो आप जाके रिवीजन वीडियो देख सकते हैं, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। इसके बाद तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, क्लास 8 चैप्टर 8। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। इनवोकिंग मतलब प्रेरणा देना। सो फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा मिलती है दलित्स को और कई लोगों को जो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट उन्हें प्रेरणा देता है, उन्हें आगे बढ़ाता है और उन्हें जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें दूर करता है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स एक मौलिक अधिकार आप कह सकते हैं कि इंसान का होता है। भारत में टोटल आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे देख सकते हैं। पर मैं अभी के टाइम में आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अभी आपको चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं दो आर्टिकल जो इस पूरे चैप्टर में है वो मेन आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 15 फर्स्ट है जो मेन है, वो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करता है। उसका डायरेक्टली अटैचमेंट जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से है, मार्जिनलाइजेशन से है। इसी वजह से जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। यानी कि आर्टिकल 17 के थ्रू ये कोई भी कह सकता है कि जो एबोलिशन है और डिस्क्रिमिनेशन का और अनटचेबिलिटी का, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो एबोलिशन है वो अनटचेबिलिटी का इंडिया में हो चुका है। और आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी एक गुनाह है, एक अपराध है इंडिया में। इसके बाद है दलित कैन इनवोक और ड्रॉ ऑन फंडामेंटल राइट्स इन सिचुएशन वेयर दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली और सम इंडिविजुअल और कम्युनिटी और इवन बाय द गवर्नमेंट। दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड बाय इट एंड डू टू जस्टिस टू देम। सो इसका मतलब यह है कि ये दलित है वो चाहे तो किसी अपने साथ जो बुरा हुआ है उसे उसकी रिपोर्ट जो है वो आप दर्ज करवा सकते हैं जस्टिस लेने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस जुडिशरी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू और कई इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सिक्योर करती है हर सिटीजन को, चाहे वो कोई दलित हो या फिर कोई नॉर्मल पीपल या फिर मार्जिनलाइज्ड। इसके बाद पॉर्टी मार्जिनलाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से लगभग आपका पूरा कनेक्टेड है चैप्टर। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ मार्जिनलाइज्ड क्या है। सो लॉज ऑफ मार्जिनलाइज्ड है एक वे, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को दूर करने के लिए, उन्हें मार्जिनलाइजेशन से दूर करने के लिए कोई लॉ बनाना, उसे हम लोग कहेंगे लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। उसमें सब पॉइंट है या फिर को पॉइंट आप कह सकते हैं वो है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इसमें जो दलित्स हैं, जो आदिवासीज हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज देना और मे नॉट टू बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटीज, अगर उनको अवेलेबल नहीं है तो उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटीज देना और उन्हें भी कहीं भी सोशल प्लेस जैसे कि टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स और कई गवर्नमेंट ऑफिसेस, इन सब में ना जाने देना एक गुनाह है, एक अपराध है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून भी बने हैं पर उन्हें दलित्स और आदिवासीज या फिर मार्जिनलाइज्ड लोगों को उनके बारे में जानने के लिए, उन एक्ट्स के बारे में जानने के लिए, उन रूल्स के बारे में जानने के लिए उन्हें एजुकेटेड होना जरूरी है। इसी वजह से एजुकेशन फैसिलिटीज
is more important and the best way to abolish the marginalization. इसके बाद protecting the rights of Dalits and Adivasis. First, मैं इस point पे जाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस chapter का एक revision video भी है, आप उसे देख सकते हैं, वो आपको जल्दी available हो जाएगा, जिसमें मैंने फिर से इन सारे points को 4 to 5 minutes में दोबारा कवर किया है, उससे आपको exam times में बहुत ज़्यादा help मिलेगी और आपको पूरी book पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, so less time में more effective work आप कर पाएंगे. तो चलिए हम इस point को भी discuss कर तो चलिए हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद रिवीजन वीडियो देखेंगे. The villages of Jakmalgur, या फिर जकमलगर आप कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडियन हैं. फंजी, फंगाई, फंजाई, ये सब वर्ड एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ बिलोंग करते हैं, जो है FUNGI. तो किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आप उस वर्ड को लिखना चाहें तो आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए. उसी तरीके से इस वर्ड को भी जकमलगर या फिर जकमलगुर आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, जो एक गांव है. तो चलिए आगे चलते हैं. बिग फेस्टिवल. जकमलगर में एक बिग फेस्टिवल था जो 5 साल में एक बार होता है. वो था डेटी, वहां पर आते थे, वहां पर जो पंडित थे, डीटी और प्रिस्ट, मतलब पंडित और ज्ञानी लोग, वो आते थे और वो 20 नेबरिंग विलेजेस से वहां पर लोग आते थे और वो 5 दिन का इवेंट होता था. उस सेरेमनी की जो शुरुआत होती थी वो दलित कम्युनिटी से होती थी, जहां पर दलित जो थे वो वहां के प्रिस्ट जो कहते हैं जिन्हें पंडित, उनका पैर धुलते थे और उसी पानी से वो लोग नहाते थे. इसके बाद ये एक सोशल प्रैक्टिस थी और इस बार ये सोशल प्रैक्टिस रथ नाम की फैमिली को करना था. उनके ग्रैंडफादर और उनके फादर ये काम कर चुके थे, अब ये रथ नाम की बारी थी. रथ नाम एक 20 ईयर ओल्ड है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और नियर बाय कॉलेज से वो पढ़ रहे थे. इसके बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इस रिचुअल को, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया. इसी वजह से कई विलेजर्स हैं वो बहुत एंग्री हो गए और इसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया, उनके पूरे फैमिली को गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि जो पावरफुल कास्ट के लोग थे वो रथ नाम को एक सबक सिखाना चाह रहे थे. इसी वजह से रथ नाम उन्होंने केस फाइल कर दिया पुलिस स्टेशन में और वो उन्होंने जिस एक्ट का मदद लिया वो एक्ट था शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989. इसमें ये होता है कि कोई भी दलित का अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करती है उसका, और दलित के खिलाफ अगर उनको गांव से निकाल दिया गया ऐसा किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने में उन्हें मदद करती है. क्योंकि ये जब एक्ट बना था 1989 उस समय दलित्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, अगर वो रिचुअल ना करे तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी. इसके बाद दी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. ये वही एक्ट है, इसके बारे में डिटेल कहा गया है. A number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. वहां पर उस समय में कई लोगों ने होस्ट किया कई प्रॉब्लम्स को, जैसे कि कई इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया गया, इसी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी. कई जो बड़े लोग थे वो उन्हें गांव से निकाल देते थे.